क्लास फोर्थ ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम करेंगे चैप्टर 19 फेस्टिव इंडिया। इंडिया में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो उसको हम बुद्ध जयंती बोलते हैं। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिख गुरु, तो गुरु पर्व के रूप में वो मनाई जाती है। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीजस क्राइस्ट, तो उसको क्रिसमस बोलते हैं। द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है बैसाखी। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। द मैरिज एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड शिवा, शिवरात्रि के नाम से मनाई जाती है। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीरा, महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। द एंड ऑफ रमज़ान ईद उल फितर, जो रमज़ान का महीना होता है आखिर में, उस ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड रामा, रामनवमी के रूप में मनाई जाती है। द पारसी न्यू ईयर डे, तो उसको बोलते हैं जमश नवरोज। द फेस्टिवल मेकिंग वन सेट ऑफ स्प्रिंग बसंत पंचमी, क्या बोलते हैं उसको हम, वसंत पंचमी। द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला ओनम कहलाता है। द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु पोंगल। द डे स्नेक्स आर वर्शिप, उसको हम नाग पंचमी कहते हैं। अगला है हमारा फेस्टिव फूड। तो आप सबको पता होगा कि अलग अलग फेस्टिवल के लिए अलग अलग डिशेस होती हैं, तो वो ये यहाँ पर फिल करना है, तो इसको आप अपने आप फिल करेंगे। अगला है चैप्टर 21 अमेजिंग लैंडमार्क। तो हर जगह एक अलग अलग लैंडमार्क होते हैं, तो वो कैसे, कौन कौन से। द दिस मेमोरियल लोकेटेड इन साउथ दक्का इन यूनाइटेड स्टेट फीचर्स द हेड ऑफ फोर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफर, और ये चारों जो प्रेसिडेंट हैं उनके यहाँ पर ये फ़ोटो बनाए गए। तो ये क्या होता है, माउंट रशमोर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द नेम मीन माउंट ऑफ द डील मैन, इट बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसको हम मोहन जुदाड़ो के नाम से जानते हैं। अगला है दिस स्टोन शर्न लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ग्रेट मॉस्क्यू इन मक्का इज विजिट बाय द मुस्लिम फॉर देयर हज प्रिविलेज, तो इसको काबा कहते हैं। द ह्यूज मॉन्यूमेंट ऑफ जावा इंडोनेशिया इज अ पॉपुलर बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बोरो बुडरो के नाम से जाना जाता है। दिस लार्जेस्ट टेम्पल इज लोकेटेड इन द मदुरई, तो इसको हम मीनाक्षी टेम्पल कहते हैं, जहाँ पर लॉर्ड शिवा और गॉडेस मीनाक्षी का वास है। नेक्स्ट है हमारा सिचुएटेड इन बीजिंग चाइना, दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स, दिस पैलेस वॉज द सीट ऑफ पावर ड्यूरिंग द रूल ऑफ मिंग एंड क्विंग डायनेस्टी, द फॉरबिडन सिटी। अगला है हमारा दिस ब्यूटिफुल हाउस ऑफ वर्शिप इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इंडिया, इट वॉज द कम्प्लीटेड इन 1986, हैज़ अ मैनी अवार्ड फॉर इट यूनिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन, इसको हम लोटस टेम्पल बोलते हैं। दिस टेम्पल इज एथेन ग्रीस इज डिसाइडेड टू अ ग्रीक गॉडेस एथेना, इट वॉज बिल्ड इन 5th century, इसको हम बोलते हैं पैराथेनोन। अगला चैप्टर है हमारा 22। तो ये यहाँ पर जो दे रखे हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ या सिटीज़ हैं जिनको उनके यूनिक नेम से जाना जाता है। तो दस द नेम ऑफ कंट्री एंड सिटीज़ फॉर द सब्सक्रिप्ट, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स। द गिफ्ट ऑफ नाइल इजिप्ट में है, जो क्योंकि नाइल जो है वो इजिप्ट के लिए गिफ्ट के रूप में थी। द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड, थाईलैंड को हम द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। द लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान, द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक फिनलैंड, शुगर ऑफ बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा, पर्ल्स ऑफ द इंडियन ओशन श्रीलंका, द जाइंट ऑफ अफ्रीका नाइजीरिया,
the city of Golden Gate, San Francisco, the land of midnight sun, Norway, the pink city, Japan, the pink city किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। तो ये सारे जो इतने भी चैप्टर्स कराए हैं मैंने, ये सब आपको बुक में फिल करने हैं।